रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और देर पाशा पूरी करे, आमीन। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैंने रेसिपी चीज़ें नहीं दिखाई, मैंने कहा आज मैं डायरेक्ट आपको खाना बनाते हुए दिखाती हूँ। प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था और इसमें चिकन डाल के ये अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से वाइट हो गया है, इसकी कितने प्यारे लुक आ गई है। अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे और साथ हम तोरी डाल लेंगे। इसको हम बाल तोरी भी बोलते हैं, खिया तोरी भी बोलते हैं, कोई काली तोरी भी बोलता है, कोई वैसे तोरी भी कहता है। ये सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और अपने इलाके के हिसाब से नाम ये लेते हैं। अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ, अगर आपने मसाले ना डाले तो आप पहले तोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने क्या पहले मसाले डाल के अच्छी तरह भूनती हूँ, बाद में इसमें किया तोरी डालूँगी। हल्दी इसमें इतनी जाएगी तकरीबन आधा चम्मच, पौना चम्मच, चौथा ऐसा, ये आप अपने जायके के हिसाब से हल्दी डालेंगे। मिर्च मैंने तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच डालूँगी। मैंने सब मिर्चें इसमें ग्राइंड कर लिए हैं, टमाटर भी मसाले में ग्राइंड कर लिया था। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, वैसे तो आप सभी मसाले अपने ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, लेकिन अगर आप दो मिर्च चम्मच मिर्च की डाल रहे हैं तो साथ ही एक चम्मच नमक का डालेंगे। ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है, कुछ लोग नए होते हैं उनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो ये साथ ज़रूर बताना चाहिए। हल्का सा आप इसमें पानी डाल देंगे ताकि मिर्च इस तरह भुन जाए और जले नहीं, ये लाजमी डालते हैं। ये हर दफ़ा मैं इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता, कुछ बनाते ही नहीं, खाना बनाना नहीं आता। ये तो मेरी कोशिश है ना कि आपको बताऊँ। अब मैं इसमें ये तोरियाँ डाल दी, अब इसको अच्छी तरह हिलाऊँगी, फिर मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी कि इसका फ्लेवर कैसा हुआ। ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट के बाद इसका ये कलर आया है, तकरीबन इससे ज़्यादा से ज़्यादा और 10 मिनट लगेंगे, ये बहुत मज़े की बन जाएगी, ये नरम हो जाएंगी। अगर आपने बिल्कुल नज़र नहीं कहें कि नज़र ना आए तो ये 15 मिनट लेंगी, अगर आप थोड़ा थोड़ा कहें कि थोड़ी भी नज़र आए इसका फ्लेवर भी वही हो तो 10 मिनट के बाद ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी हो, बहुत मज़े की बन जाएगी। अब माशाल्लाह इतनी प्यारी बन गई, ये देखिए मिक्स हो गई है अच्छी तरह, बड़ी बड़ी और खड़ी खड़ी नहीं रखी क्योंकि मेरे बच्चे शौक से इस तरह की मिक्स हुई खाते हैं। तो देखिए इसका फ्लेवर भी कितना प्यारा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं आपको प्लेट में डाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। किया तोरी और चिकन का रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। जो नहीं भी बच्चे बड़े खाते वो भी शौक से खाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो नहीं भी खाते हैं मैं इस तरह की रेसिपी बनाऊँ कि बच्चे बड़े सब शौक से खाएं और मज़े से खाएं, क्योंकि तो सारी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमारी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई किया करें और हमें बताया करें कि आपके कैसी बनी।